हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो के सब मज़े में होंगे। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड। आज है जी 8 सितंबर, तो 7 और 8 का करंट अफेयर्स करेंगे। लेटेस्ट सेशन, कोई सेशन को मिस मत करें। प्लीज़ लिसन एवरी सेशन विद केयरफुली ऑन डेली बेसिस, डोंट मिस एनी सेशन। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भी किस बैंक के साथ वित्त पोषण आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो इंडसइंड बैंक ने एडीबी के, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। मस्त सुबू अश्कवास के हेड हैं और इसकी स्थापना 1936 में हुई, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अभी आपको बताया था फिलीपींस के एक 4 लोगों के नाम बताए थे मैंने आपको, जिसमें कहा था क्या क्या मिला है उनको, कौन सा पुरस्कार मिला है ज़रा बताइए। जिसमें एक मैंने अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी बताया है, एक आई स्पेशलिस्ट के बारे में भी बताया है, तो आप ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लोगों को वह अवार्ड मिला है, बहुत फेमस अवार्ड है, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के चीफ सेक्रेटरी ने अभी किसको अपना महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो अभी जो है किस पूर्व राष्ट्रपति को, तो किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हीं को अभी जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो वोटेरस ने किया है, ठीक है। किर्गिस्तानी सोम इसकी करेंसी है, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, और जियारोफ ये इसके प्रेसिडेंट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ बायो विलेज डेवलप किया गया है? बायो विलेज तो ये भी त्रिपुरा में, खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बायो विलेज डेवलप किया गया है। कोक ब्रूक दिवस 19 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। दूसरा फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी यही हुआ था, और यहाँ पर मोबाइल एनिमल हेल्थ फैसिलिटी सर्विस ये योजना शुरू हुई, और एक अर्न विद लर्न योजना भी चल रही है। ये सब त्रिपुरा की बात है, त्रिपुरा में ही बायो विलेज डेवलप हुआ है। सत्यदेव नारायण आर्या ये गवर्नर है, मानिक शाह ये क्या है, ये चीफ मिनिस्टर हैं, और अगरतला कैपिटल है। क्वेश्चन है, हाल में दुनिया की सबसे पहली सूंघने वाली कोविड वैक्सीन किस देश ने बनाई है? बना भी ली है, मंजूरी भी मिल गई है। तो दुनिया की किस देश की सबसे पहली सूंघने वाली कोविड वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है? तो चाइना की, चाइना ने ऐसा कंट्री है, चीन ने ऐसा कोविड वैक्सीन बनाया जो स्मेल करना है, बस सूंघना है, और इसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो दुनिया का ये पहला देश बना है चीन, जिसकी सूंघने वाली कोविड वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, ठीक है, याद रखना ये बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहरहाल चाइना गोल्ड साइकिलिंग, अभी जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी 2022 की, उसमें गोल्ड रिसाइकिलिंग में किसकी रिपोर्ट है, WCG वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, और गोल्ड रिसाइकिलिंग में जो है नंबर वन है वर्ल्ड में कौन सा कंट्री, चाइना। इंडिया के जो टूटे हुए चावल होती हैं पोना राइस, उसका सबसे बड़ा टूटे हुए चावल का जो आयातक है वो कौन है, वो भी चाइना है। और चाइना में अभी 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होना है, ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन 14वें नंबर का इसका आयोजन होना है। और चाइना की और बात करूँ मैं अभी, तो चाइना 2028 में एक ऐसी टेक्निक ला रहा है कि वो स्पेस में एक प्लानेट बना, मतलब इस तरह का प्लानेट लगा रहा है जिससे रेगुलर लाइट मिलेगी चाइना को, तो लगातार बिजली प्राप्ति के लिए 2028 में इसको कर देगा। तो बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सब चीन की, तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो बीजिंग कैपिटल है, और रेनमिनवी करेंसी है, और श्री जिनपिंग कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय क्रिकेट टीम के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो सुरेश रैना।
आपको बताया था सुरेश रैना, बताया तो आपको ये था मैंने परसों कि बांग्लादेश के एक रहीम, सॉरी रहमान कह दिया था उस दिन मैंने, शफीकुर रहीम है उनका नाम, तो शफीकुर मुशफ़िकुर रहीम कहा होगा या रहमान कहा होगा, सही नाम पढ़ लीजिए, मुशफ़िकुर रहीम मिलेगा ये आपको, या फिर मिलेगा शफीकुर रहीम, रहीम है रहमान नहीं है। तो शफीकुर रहीम ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया था, और अपने इंडिया की क्रिकेट टीम में सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और बांग्लादेश के एक क्रिकेटर का नाम आजकल बहुत फेमस है, तमीम इकबाल का, जिनका आपको बताया था मैंने, जिन्होंने अभी T20 से संन्यास ले लिया है, और 8,000 विकेट लेने वाले भी वो पहले क्रिकेटर बने हैं बांग्लादेश के। अच्छा हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया, विराट कोहली की बात करूं तो इन्होंने 20 ODI सभी में क्या है 100 100 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है विराट कोहली ने। दूसरी बात ये कि T20 में सबसे ज़्यादा रन लेने वाले प्लेयर जो बने हैं इस टाइम हमारे इंडिया के, वो बने हैं रोहित शर्मा। ये दो बातें हो गई, और तीसरी यही कि सुरेश रैना ने संन्यास की घोषणा कर दी है अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? डाबर रेड पेस्ट, डाबर लाल, दंत मंजन, जिसका आता उसी का पेस्ट है, पेस्ट मंजन। तो डाबर लाल रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का नाम तो बहुत ही याद होगा सबको। तो बाकी मैंने आपको बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए, नॉइज़ की, स्मार्ट वॉचेस के, पोकरवादी.com, वाईजू और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो सब के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, अगर आप पुराने वीडियोस को रिवाइज़ करेंगे तो आपको कोई ना कोई मिलता रहेगा, और इसी तरह आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जब भी आप देखा करो एक बार में 2 से 3 वीडियो देखा करो तो आपको पिछला सब रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है? तो जितने भी स्टेट्स के साइंस एंड टेक मिनिस्टर्स हैं उनके एक कॉन्फ्रेंस यानी उनका एक समिट हुआ है, इस समिट का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो गुजरात ने, याद रखना। गुजरात की बात करें तो EFIR पुलिस सिस्टम, मतलब कि एक योजना शुरू हुई थी EFIR पुलिस सिस्टम इसका भी, और बाकी बहुत है यहाँ पर, तो मैंने सभी फैक्ट्स आपको बताए हुए हैं गुजरात के, तो आप रिवीजन करेंगे तो आपको फैक्ट्स मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी में मंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं आचार्य, नहीं, भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, और कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, अच्छा, नल सरोवर, कंकड़िया, खेसारी और धौल, ये लेक है, और डैम कौन सा है, सरदार सरोवर, नर्मदा रिवर के ऊपर, और वनसुदा मरीन नेशनल पार्क, एशियाटिक लॉइन के लिए कौन सा, गिरी नेशनल पार्क, और एक और रह गया, मरीन, वनसुदा, एशियाटिक के लिए हो गया गिर, और एक और ब्लैक बक, ये 4 नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सबल भारत सम्मेलन 2022 के सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो पहली बात तो ये है कि सबल भारत, ये जो उद्घाटन है अभी इस सम्मेलन का, सबल भारत सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है, इसका उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया है। हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, पहले तो जहाजरानी थे, अब तो नहीं है, आप कौन से, मैंने कई बार बताया आपको, स्वास्थ्य, सबल भारत स्वास्थ्य सम्मेलन है ये, कौन सा, सबल भारत स्वास्थ्य सम्मेलन, तो इसी का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो हमारे कौन से मिनिस्टर हैं बताना है आपको, मनसुख मंडाविया ने किया, इनका नाम क्या है, मनसुख मंडाविया, और ये वर्चुअली इसका आयोजन हुआ है कहाँ, दिल्ली में, और किस लिए हुआ है, अंग दान को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गन डोनेट कीजिए, आप ऑर्गन डोनेट करेंगे तो दूसरों को भी लाइफ ज़्यादा मिल सकेगी। ठीक है, भले ही, चलो बस इतनी, हम मतलब हमारी कितनी कम है लाइफ वो पता नहीं, कितनी ज़्यादा है कम है, लेकिन अगर हम ऑर्गन डोनेट करेंगे तो बेशक, ये बात तो है, चाहे आई डोनेट करें या कि हम किडनी डोनेट करें या जो भी, हम अगर हमारी डेथ होती है हम डोनेट कर जाते हैं तो उससे दूसरे लोगों का फ़ायदा होता है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए है। और मेरे मुस्कुराने की वजह ये है कि हम ऐसे लोग हैं, हम ब्लाइंड्स में आज भी कुछ लोग,
ब्लाइंड कम्युनिटी की बात करूं कि हमें कोई आंख डोनेट कर भी देगा तो हमारे आंखें लग भी नहीं सकती, हमारा जो आई नर्व सिस्टम है वो इतना वीक है कि हमें रेटिना प्रॉब्लम हुई है, ये सब हुआ उसमें लग ही नहीं पाती आंखें, तो डोनेट आई का भी लेके फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग दुनिया में इतने बदनसीब होते हैं कह सकते नहीं, चलो ये बात आप नहीं करते हैं ज़्यादा। तो बहरहाल ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वैसे तो हर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाल ही में अभी भरतौल ज़िला हर घर आरो जल वाला ज़िला बना, सॉरी भरताओ क्या नाम है, भरतौल, भरतौल ग्राम हर घर आरो जल वाला गांव बना है, ये किस राज्य का गांव है और किस ज़िले का गांव है? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो भरतौल ग्राम हर घर आरो जल, यानी अब आरो लोगों के लग भी नहीं पाते, हर घर में आरो नहीं है, और वो एक ऐसा गांव है जहां आरो जल वाला, हर घर आरो जल वाला वो गांव बन गया है, कौन सा? भरतौल। तो ये किस राज्य और किस ज़िले का गांव है? तो बरेली ज़िले का है, और बरेली ज़िला है तो कहाँ? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का बरेली ज़िले में ये गांव डेवलप है, गांव है और इतना डेवलप हो गया है, भरतौल नाम है, हर घर आरो जल वाला अब ये गांव बन गया है। ठीक है, सब्जी के उत्पादन में नंबर वन यूपी, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, शुगर उत्पादन में महाराष्ट्र, और फिश यानी मत्स्य उत्पादन में तमिलनाडु। अभी आपको बताया था स्टेट रीजन कैपिटल के बारे में, जैसे NCR है वैसे ही SCR, स्टेट कैपिटल रीजन, ये डेवलप हो रहा है लखनऊ के आसपास, अब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ही फैसला है, फैमिली कार्ड योजना की घोषणा हुई है सिर्फ, ठीक है। और गवर्नर कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल। और आपको बताया था मैंने पंचामृत योजना यही चल रही है, अखिल भारतीय विद्या समागम का आयोजन वाराणसी में हुआ, और भी मैंने आपको बताया था नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये पहला पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क और नाइट सफारी पार्क है, कहाँ बन रहा है? लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। राजकीय पुष्प पलाश वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, सारस, यक्रोच क्या है? पक्षी है, किसका? उत्तर प्रदेश का। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, नवाबगंज, अमनगढ़, ये नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आई होप सो कि आपका कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं होगा। और लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी 3 नए ज़िलों का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किन 3 नए ज़िलों का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, इनके यहाँ 29 ज़िले थे, इन्होंने अभी 30वां, 31वां और 32वां, 30, 31, 32, इन 3 नए ज़िलों का उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। रायपुर कैपिटल, नया रायपुर भी यहाँ पर है, अटल नगर नाम उसका चेंज करके कर दिया गया है, ठीक है। कौशल्य मातृत्व योजना और महतारी द्वारा, महतारी महतारी कौशल्य मातृत्व योजना और महतारी त्योहार, मह क्या है, महतारी योजना और पढ़ई त्योहार द्वार योजना, ये सब चल रही है, मुख्यमंत्री मितान योजना यही चल रही है। हर महीने में हर ज़िले में महिला सुरक्षा सेल छत्तीसगढ़ ने स्थापित करने की घोषणा की है, हर ज़िले में महिला सुरक्षा सेल, याद रखना, ठीक है। तो ये सब तो याद ही रखना, एटलीस्ट गुरु घासीदास सब टाइगर रिजर्व भी है, और मैंने छत्तीसगढ़ की भैरमगढ़, भूरम देवम, समरसूट, इटानगर है ना, इटानाती, समरसूट, इतनाती, और एक और कोई रह गई, भूल गई मैं कौन से, तब भैरम गढ़पुरम देव के अलावा, बहरहाल याद रखना ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? यूके की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो लिजी ट्रस, लिजी ट्रस, ये 2 लोग ही थे इस फील्ड में जब चुनाव हुए थे, मतलब चुना गया था तभी, यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी है लिजी ट्रस, अब बोरिस जॉनसन नहीं है। ये पौंड स्टर्लिंग करेंसी है और लंदन कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के
किस देश की सेना जनरल मानद प्राप्त हुई है? भारतीय सेना के प्रमुख को किस देश की सेना जनरल की मानद प्राप्त हुई है? तो नेपाल की सेना जनरल की मानद प्राप्त हुई है भारतीय सेना प्रमुख मनोज, क्या नाम है उनका, मनोज कुमार है और नरमणे हैं, क्या है बताइए? तो भारतीय सेना प्रमुख कौन है? फर्स्ट नेम तो पता ही है, मनोज, आगे बताना है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सुनिए, काठमांडू कैपिटल भी नेपाल की, सार्क का हेडक्वार्टर है यहाँ, नेपाली रुपया करेंसी है, विद्या देवी भंडारी गवर्नर है, प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देवा। और अभी जो क्या नाम है उनका, एम प्रभाकर, मनोज प्रभाकर, ये नेपाल के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा, जो राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? तो देखिए जी, नई दिल्ली में गेट है, इंडिया गेट से प्रेसिडेंट हाउस तक एक 2.5 केजी मीटर्स का टुकड़ा था, उसका नाम था राजपथ 2.5 किलोमीटर का। इससे पहले इसका नाम किंग्स वे था, पहले किंग्स वे था फिर राजपथ था, अब इसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। क्या? कर्तव्य पथ। तो अब राजपथ के नाम को बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा इंडिया गेट से प्रेसिडेंट हाउस तक है। नई दिल्ली के बारे में बहुत से फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाई कमिश्नर बने हैं, कहाँ पर बने हैं हाई कमिश्नर? तो संजय वर्मा कनाडा में, कनाडा में इंडिया के अभी हाई कमिश्नर बने हैं संजय वर्मा। अच्छा, कनाडा में तो संजय वर्मा बने हैं, बांग्लादेश में प्रणय वर्मा, और बांग्लादेश के कौन थे? मुस्तफिजुर रहमान, इंडिया के अंदर। तो इंडिया के हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश में बने वो कौन है? प्रणय वर्मा और नागेश सिंह, ये थाईलैंड में बने थे इंडिया के, ठीक है। और अभी बता दिया आपको, कनाडा में संजय वर्मा, ओटावा कैपिटल है, वो कैनेडियन डॉलर करेंसी है, और जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुबई दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये ग्रैंड मास्टर, क्या नाम है, कौन से ग्रैंड मास्टर है, इनका नाम है अरविंद चिदंबरम। तो अरविंद चिदंबरम, ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम है, इन्होंने अभी क्या जीता है? इन्होंने जीता है दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2022, अरविंद चिदंबरम ने, ये ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुन्नमदा झील में अभी 68वीं यानी 68 नंबर की नेहरू ट्रॉफी बोट रेस शुरू हुई है? तो केरल में है, केरल में अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट है, तो पूर्णिमा झील। अब ये जो है कहाँ, केरल के अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, यहीं पर 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस शुरू हुई है। अंडा दूध योजना ये चल रही है, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सर्विस शुरू करने वाला राज्य केरल। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, वन स्कूल वन आई ए एस योजना शुरू हुई, और परिवर्तनम योजना चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने शुरू की थी। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, ठीक है, अनायमुडी शोला, अरबीकुलम शोला, पमडम शोला, मध्य कैप्टिक शोला, सब ने शुरू पार किया। और कौन सी लेक है? पेरियार लेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी
स्वच्छ हवा और नीले आकाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहाँ मनाया गया है? स्वच्छ हवा और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ हवा और नीले आसमान नीले आकाश इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई ये मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को, 7th of September को मनाया गया है अपने देश में। सॉरी, इंटरनेशनल डे, ठीक है, तो इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल स्तर पे ही मनाया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर इंडिया मीनिंग इंटरनेशनल डे फॉर ग्रीन एयर एंड ब्लू स्काई 7 सितंबर को, और 7 सितंबर को एक और मनाया गया है, कौन सा? ब्राज़ील में ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस याद रखना 7 सितंबर को। क्वेश्चन है, महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी अपॉइंट किया गया है महेश अय्यर को, महेश अय्यर ये अभी प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बने हैं महानगर गैस लिमिटेड के। अच्छा, विक्रम दुरई स्वामी, इनका भी तो नाम इम्पोर्टेंट है, यूके में भी भारत के हाई कमिश्नर बने हैं यूनाइटेड किंगडम में, विक्रम दुरई स्वामी, इनका नाम भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टीवी शंकर नारायण का निधन हो गया, ये कौन थे? टीवी शंकर नारायण तो पद्म भूषण प्राप्त कर्ता थे, कर्नाटक के बहुत ही फेमस गायक थे टीवी शंकर नारायण, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमार्ग एवं सड़क परिवहन सम्मेलन मंथन का आयोजन कहाँ और किसने किया है? तो आयोजन तो उसका जो है हुआ है कर्नाटक में, मंथन सम्मेलन किसका है? सड़क एवं राजमार्ग सम्मेलन मंथन, लेकिन इसका उद्घाटन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने ही किया है और उनका नाम नितिन गडकरी, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार पर NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवशिष्ट प्रबंधन ना बेहतर होने पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर, ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाया है, क्योंकि अवशिष्ट प्रबंधन बेहतर नहीं था, प्रॉपर नहीं था। अभी आपको मालूम है डूरंड कप सबसे पुराना फुटबॉल कप है, इसका आयोजन कहाँ? कोलकाता में होगा, और कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ शुरू हुई है? ये भी शुरू हुई है कोलकाता में। और कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर एक सी फूड शो यानी कि समुद्री भोजन शो होगा, एक ये एक अलग तरह का प्रोग्राम होगा, इसका भी आयोजन होगा कोलकाता में, तो याद रखना। और चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम? ममता बनर्जी के अलावा ला गणेशन अभी यहाँ का भी चार्ज संभाले हुए हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर का, क्योंकि जगदीप धनगढ़ थे लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, बुक्सा नेशनल पार्क यही है, सिंगलीला नेशनल पार्क यही है, और सुंदरवन नेशनल पार्क भी यही है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क यही है। अच्छा, एक है सजना कली और रायगंज महानंदा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कोलकाता की, मतलब वेस्ट बंगाल की, कहाँ की? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस एम दुरई स्वामी को किस राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद पर शपथ दिलवाई है? तो अभी नए चीफ जस्टिस बनाए हैं, मतलब अपॉइंट किए हैं, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? तो ये बने हैं मद्रास हाई कोर्ट के एम दुरई स्वामी, जस्टिस एम दुरई स्वामी ये कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, याद रखना। अब इनको शपथ ग्रहण करवाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोजगार गारंटी योजना अभी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो रोजगार गारंटी योजना राजस्थान राज्य सरकार ने। शहरी क्षेत्रों में भी जरूरतमंद बेहद लोग हैं और उन्हीं को 100 दिन का रोजगार देने के लिए अभी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है। मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व, डेजर्ट सरिस्का और रणथंबोर नेशनल पार्क यही है राजस्थान में, बट
एक बर्ड सेंचुरी है कौन सी? केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार। और जयपुर कैपिटल, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्र गवर्नर। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मुदु में दुरई योजना शुरू की है? तो मुदु में दुरई योजना, ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने 6 to 12th तक की छात्राओं के लिए ग्रेजुएशन तक 1,000 रुपये महीना की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए शुरू की है। अब तमिलनाडु एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कौन है? गवर्नर है आर एन रवि। मद्रास कैपिटल। आई अपग्रेडेशन के साथ टाटा स्टील के आई अपग्रेडेशन के लिए टाटा स्टील के साथ समझौता। तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट सिटी फंड को यूज़ करने के मामले में नंबर 1। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन भी यहीं हुआ था। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी यहीं पर, और अभी बताया था फिश प्रोडक्शन के मामले में भी नंबर 1, जलीकट्टू का आयोजन यहीं हुआ था। तो ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य की जेल के खाने को फाइव स्टार रेटिंग FSSAI से प्रोवाइड, मतलब प्रदान की गई है? इस राज्य की जेल के खाने को FSSAI की 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो फरुखाबाद सेंट्रल जेल, जो फरुखाबाद की जेल है सेंट्रल जेल, वहाँ पे जो खाना पकता है कैदियों के लिए, उस खाने को FSSAI ने 5-स्टार रेटिंग दी है, यानी 5 में से 5 नंबर मिले हैं जेल के खाने को। और ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंडेक्स, एक मिनट दोबारा सुन लीजिए, FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडेक्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडेक्स ने 5 रेटिंग दी है फरुखाबाद की सेंट्रल जेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री, अच्छा उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैंने अभी सब कुछ बताया है, तो अब मुझे नहीं लगता दोबारा बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की प्रधानमंत्री ने मुजीब स्कॉलरशिप शुरू की है, मुजीब छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं किसकी? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अभी मुजीब स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, ठीक है, छात्रों के लिए। और बांग्लादेश के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ, प्रधानमंत्री तो वो है अब्दुल्ला हामिद, प्रेसिडेंट है, ठीक है। ढाका कैपिटल, टका करेंसी। क्वेश्चन है, शुभ्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है शुभ्रतो कप टूर्नामेंट, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी BCCI के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय यानी घरेलू मैचों की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? तो मास्टर कार्ड को। किसको मिली है? मास्टर कार्ड को मिल गई टाइटल स्पॉन्सरशिप, जो भी मतलब अपने डोमेस्टिक मैचेस होते हैं और इंटरनेशनल मैचेस होते हैं BCCI के। सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट है, 1928 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को QCL को, और बेल आइकन को हिट कर लें डेली अपडेट्स के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।